नहीं नौकरी, कमरे में दाखिल होने से पहले ही कह दिया आप जा सकते हैं। एक तो बहनों की शादी सर पर है यार, और गैस का कोई इंतजाम नहीं यार। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? बचपन में भी बुखार में तपता रहता था, बाप ने कभी सीने से नहीं लगाया, ये नहीं बोला बेटा तेरी तबीयत कैसी है। स्कूल में भी टीचर ने हमेशा मुझे अगर आगे वाली सीट पे बैठ जाऊं तो बोले कि जाए पीछे जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे। ये नफ्सियाती मर्जी से किसी डॉक्टर के पास लेकर जाए। अरे चल डॉक्टर के पास, इतनी बारी बारी फीसें लेंगे पकड़ा देंगे हाथ में, तो गवर्नमेंट अस्पताल में दिखा देंगे, वहाँ तो डॉक्टर फीस नहीं लेता। डॉक्टर तो फीस नहीं लेता, लेकिन ये लंबी लंबी लाइने होंगी, तेरी माँ बूढ़ी बेचारी कहाँ लाइनों में खड़ी होती रहेगी। फिर भी हाल ही नफ्सियाती मर्जी, जिस तरह इंसान को खांसी नजला बुखार वगैरह हो जाता है, इसी तरह दिमाग भी बीमार हो जाता है। दिमाग बीमार हो जाते हैं ये तो मैंने आज ही सुना है। अरे वो शरीफन की लड़की भी तो बीमार हुई थी, आज तक दवाइयाँ खा रही है लेकिन सही ना हुई। कहे खाला सिद्दीका की बात तो नहीं कर रही? हाँ हुई। अरे खाला उसकी जरा सी तबीयत क्या ठीक हुई, उसने दवाइयाँ खाना छोड़ दी, फिर तो यही होना था। हाँ, ऐसा लगता है तू ही खुराक देती थी। हाँ बच्चा ठीक हो जाएगा। मेहरबानी बाबा, सही मेहरबानी। साईं बाबा।
तुझे करूंगा। अरे देख,